मैंने हेलमेट भी नहीं पहनी ना, इसने लाई हुई है, तो चलो यार बाइक देख लेते हैं। यार इसकी बाइक की वो अगली ब्रेक भी लगती है और मेरे भाई ने इसकी वाली बाइक ली। देखो ये बता के ये वाली बाइक ठीक है पक्का? तूने तो चला के देखी है, मतलब ठीक चल रही है ना, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि मैं अपने पापा के साथ बनाऊंगी सेकंड व्लॉग, लेकिन पापा के पास यार टाइम ही नहीं है, वो जॉब करते हैं, जॉब से आके वो थक जाते हैं, फिर अपना काम करते हैं। हमने एक गाय भी रखी है तो उनको उसका काम भी होता है, तो मैं पापा के साथ व्लॉग नहीं बना पाई और टाइम ही नहीं मिल रहा है यार। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि अपने पापा के साथ व्लॉग बना पाऊँ, लेकिन ये नहीं है कि अगर पापा के साथ मैंने व्लॉग नहीं बनाया तो आके मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं रखूँगी। कंटिन्यू तो रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने 3 बाइक्स देख के रखी हुई हैं, जो कि मैंने एक एक करके वो रिवील करनी है। तो आज मैं पहली बाइक रिवील करने जा रही हूँ। रिवील तो ऐसे बोलूँ जैसे कि अपनी खरीदी होती है भाई, लेकिन आएगा टाइम जिस दिन अपनी भी लेंगे फ्रेश वाली, लेकिन ये सेकंड हैंड हो या जैसी मर्जी हो, लेकिन खुशी तो होती है ना यार जब बंदा लेता है बाइक, फिर सेकंड हैंड हो या फर्स्ट हैंड हो, उसको अपना बना के रखना यार, बस खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आप लोग भी एक्साइटेड हो गए ना कि पहली बाइक कौन सी है, और आप सोच रहे हो कि भाई जल्दी जल्दी दिखा दो, मैं वो जल्दी जल्दी नहीं दिखाऊंगी, धीरे धीरे दिखाऊंगी, क्योंकि फिर आप लोग ना व्लॉग देखते ही नहीं हो, इसलिए व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बाइक तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। और मैं ये फर्स्ट बाइक किससे ले रही हूँ ये भी मैं आपको जल्दी ही दिखाऊंगी, क्योंकि बाइक से पहले तो मुझे आपको उस बंदे के साथ ही मिलाना पड़ेगा ना जिससे मैं बाइक ले रही हूँ, वरना तुम लोग पता नहीं क्या क्या सोचोगे यार। तो चलो निकलते हैं फिर। फाइनली गाइज, मैं बाइक के ओनर के पास तक पहुंच चुकी हूँ, जिसकी बाइक लेनी है मैंने, जो सेल कर रहे हो। पहले ये बता कि सेल क्यों कर रहे हो? दूसरी लूंगा मैं। कौन सी वाली लेने का सोच रहा है? ड्यूक 390। ड्यूक 390? तो ये वाली पक्का सेल कर रहा है, तो इसलिए मैं इसकी बाइक लेने का सोच रही थी। और इसकी बाइक है कौन सी है वो मैं आपको जल्दी बताऊंगी, इनको पहले नाम नहीं बताना। और इसकी बाइक ना मेरा भाई लेके भाग गया, इसका फ्रेंड भी आया, उसके पास कौन सी बाइक है? NS 160। तो दोनों बाइक अभी आपको दिखाते हैं, लेकिन वो दोनों बाइक आएंगी तभी दिखाएंगे ना, वो दोनों लेके भाग गए, पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। और गाइस ये मेरा भाई है यार, छोटा, ये नहीं सोचना कि पता नहीं किस लड़के से बाइक ले रही है ये, किस साल के बानी भाई, क्या हो गया है? हाँ, इसी के साथ तो ब्लॉग बनाया था, मैं आपको बता रही हूँ, राखी वाला मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया था, वो मैंने इसके साथ बनाया था, अपने भाई के साथ बनाया था, लेकिन वो बीमार थी यार मैं उस दिन, तो मैं ना वो ब्लॉग एडिट कर पाई ना मैं अपलोड कर पाई, और मैंने छोड़ दिया, मैं पुराना वाला ब्लॉग डालना ही क्या, क्योंकि रक्षाबंधन तो हो चुका था। तो अभी कहाँ गए हैं यार, कॉल कर उनको, बोल वापस आओ। तेरे भाई का फोन है? तेरे फ्रेंड के पास तो है ना, स्विच ऑफ है ना उसका। ओ यार इसकी बाइक की वो अगली ब्रेक भी लगती है और मेरे भाई ने इसकी वाली बाइक ली है, उसको ब्रेक लगाने नहीं आई, कहीं और जाएगा वो, लगती है अगली ब्रेक पर बड़ी। तो चलो यार वेट कर लेते हैं उनका। हमारी वाली बाइक्स पता कहाँ से आ रही हैं? गई यहाँ से थी, गई यहाँ से थी ना हाईवे रोड से, और हमारी बाइक्स पता कहाँ से आ रही हैं? वो देखो, ये देखो, ये दोनों बाइक्स आ रही हैं। ये इसका फ्रेंड चला रहा है, पिछला वाला है मेरा भाई, इन्होंने बाइक एक्सचेंज कर ली यार, बाइक एक्सचेंज कर ली। मुझे अपने बाइक का डर लग रहा था यार, पता नहीं इसको कंट्रोल करने आएगी कि नहीं आएगी, मेरे को लगा डर गई थी यार मैं, एक उसको लाया, अगर वो घर पे सही सलामत है ना पहुंचा, मेरे पापा ने मार देना अगर उसको कुछ भी हुआ है, श्वेता तो गायब है, फरार है, मैं घर से फरार हो जाना, छुप जाना। मैंने कहाँ गए ये, कहाँ चले गए ये, मैं कहाँ गए, वो उस साइड से आएंगे मेरे को लगता है, वो वाले रोड से। तो चलो आते हैं फिर बाइक दिखाते हैं आपको। हमारी बाइक आ चुकी हैं और ये देखो, ये है MT 15 और ये NS 160, NS 160 और ये है MT 15। तूने रैप करवाया हुआ है? डेविल व्लॉग्स, वाह यार, इसने नहीं करवाया, ये फ्रेश वाली है, इसको इन्हें पीछे से करवाया, पीछे कहाँ से करवाया हुआ है? पीछे देखना, दोनों का सेम है हमारा, ये दोस्ती क्या हो गया है देव, वाह यार। तो यार मैं तो ये वाली बाइक लेने का सोच रही हूँ, ये वाली पहले राइड। कितने की देगा है? कितने की देगा? ऑन कैमरा नहीं बताते, ये ऑन कैमरा नहीं बताना मेरे को, ऑफ कैमरा बता देना, लेकिन इसका ओरिजिनल प्राइस क्या है? ओरिजिनल प्राइस इसका है 2,20,000। 2,20,000 ऑन रोड, ऑन रोड। तो चल वो तो मैं इसके साथ रेट की बात तो कर ही लूंगी, ज्यादा महंगी नहीं देना, चल पहले ज्यादा महंगी नहीं देना, और मुझे बता देना कि यार ये वाली बाइक कैसी है, ठीक है? क्योंकि ये वाली बाइक लेने का सोच रही हूँ मैं, MT 15,
और गर्ल्स के लिए तो ये वाली शायद से अच्छी है क्योंकि सारी गर्ल्स ज्यादातर यही बाइक चलाती है MT 15। चलो यार मैं तो सोच रही हूँ कि बाइक की राइड ले चले राइड पे राउंड लगा के आते हैं। ठीक है, मैंने ये वाली बाइक लूंगी तो मैं इसकी राइड लूंगी ना यार। शिवा तू चलाएगा? धीरे चलाएगा? लेनी होनी है ना यार। अब तो यार मेरे को राइड चेक करनी है, मेरे को बस राइड चेक करनी है क्योंकि बाइक में एक इशू आ रहा था, ये बोल रहा था कि ब्रेक का इशू। ब्रेक का क्या इशू है? जितनी जोर से मारेगी उतनी कम लगेगी, जितनी बिल्कुल आराम से मारेगी उतनी ज्यादा लगेगी। तो मतलब ज्यादा स्पीड में नहीं चलानी है ये, क्योंकि अगर बैठ सही एक बार आपको हो जाएगी कंट्रोल हो सकती है। अगर ज्यादा स्पीड में हो तो ब्रेक लग सकती है इसकी। कंट्रोल तो ये चल है क्या इसकी स्पीड में भी नहीं होगी। कंट्रोल नहीं होती भाई, लेने का क्या फायदा? डराओ ने ना यार, ब्रेक होती है कैसे? हाँ ABS है इसमें, जितनी जोर से ब्रेक मारेगी वो फेंक देगी पीछे, वो आराम से ब्रेक मारनी बिल्कुल भी है आराम से। मतलब ब्रेक्स वगैरह सारी ठीक है ना तेरी? एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ इस बाइक का? एक्सीडेंटल बाइक तो नहीं है? मत मेरे को एक्सीडेंटल बाइक भेज दे, बाद में इसके पुर्जे पुर्जे हो जाए। नहीं तेरे को एक्सीडेंट हुआ है यार, लेकिन है अच्छी है, मेरे ड्रेस का मैच कर रही है। चले फिर, तो चलो यार राइड। पकड़ के बैठी हो पहले बता रहा हूँ, आराम से चलाना ना मेरे को देखने दे। तो ऊपर वाले का नाम लेके मैंने हेलमेट भी नहीं पहनी ना इसने लाई हुई है, तो चलो यार बाइक देख लेते हैं। नहीं ये वाली चला, नहीं रहने दे, चलो यार किसको दिखा मैं इतना वो भी होना हूँ। हाँ तो तेज होना, ऐसे मार दूंगा। आओ इधर आओ, अब तो किसी के आगे से आवाज़ टेक करेगा वो एकदम से गाड़ी इधर करेगा, तू यकीन मान ना मान तू दबाएगा ही जरूर जोर से, और जैसे तेरे जोर से दबाई भाई वो धीरे चलाएगा, हैं धीरे चलाएगा वो। अभी कहां तेरे को जरूरी बाइक चलानी है ये? हां तो ना यार, तो चलो यार चलाने दे उसको बाइक। ये बैठेगी मेरे पीछे MT 15 मेरा भाई चलाएगा। चलो लेकिन अच्छे से चलाना, और वो दो तो आगे वाली बाइक पे बैठे हैं NS 160। आराम से चलाना भाई, तो मान गई कि मेरे भाई को भी बाइक चलाने आती है यार, लेकिन इसने हाल देखो मेरी क्या बना। ओए ये क्या किया? ये तो कुछ भी नहीं है, तो पहले दिन लाई थी मैंने बाइक, ये इसने तो बाइक को फाड़ता भी है यार। तो चलो गाइज आपने फर्स्ट बाइक तो देख ही ली है कि फर्स्ट बाइक कैसी है कैसी नहीं है, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि ये वाली बाइक मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो अभी हम इस बाइक के साथ फोटोज क्लिक करवा लेते हैं और वीडियोस भी बना लेते हैं जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। मैं अपने भाई से पूछती हूँ कि ये वाली बाइक कैसी है। ओए मेरे को ये बता कि ये वाली बाइक ठीक है? MT 15 पक्का? तूने तो चला के देखी है, मतलब ठीक चल रही है ना, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है ना? पक्का लेनी चाहिए फिर? तो मेरा भाई भी बोल रहा है कि लेनी चाहिए, तो ये मैं पहले ही डिसाइड नहीं कर लूँगी कि मुझे यही बाइक लेनी यही लेनी, क्योंकि अभी आपके लिए दो बाइक्स और रहती हैं जो कि मुझे रिवील करनी और आपको बतानी भी है। तो तीनों बाइक्स दिखाने के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगी कि मुझे कौन सी वाली बाइक लेनी है। तो उस दिन का फिर आप वेट करो, जब तक तीनों बाइक मैं आपको दिखा नहीं लेती हूँ। ठीक है, बड़े उमला पहुँच चुके हैं, हमने फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लिया और वीडियोज़ भी अच्छी अच्छी बनाई हैं। तो उस बाइक के बारे में आपकी क्या राय है ये मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और आज के लिए थैंक यू। लेकिन ये ना बाइक बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलाता है, इसकी लास्ट बाइक ना 145 पे जाती है ना, और ये 125 की स्पीड में चला रहा था। मेरे बालों की हालत देख सकते हो यार, ये वॉश की हुए थे हमारे, इधर बोल दे कुछ बोल रहे, रेस नहीं लगाई मैंने, इसने रेस लगानी थी अभी, मुँह चढ़ाया हुआ। तो चलो ठीक है, बाय बाय बाय।
अपने घर पहुंच चुकी हूँ और आप देख सकते हो कि मेरी बहुत ही बुरी हालत हो गई है। मुझे ना हेड वॉश करना पड़ेगा मुझे इतना लगता है, क्योंकि मेरे बालों की तो धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। और मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने आज व्लॉग बनाया ना वो मैं आज ही अपलोड कर दूँ। मैं पूरा ट्राई करूंगी कि जो आज का व्लॉग है वो आज ही अपलोड होना चाहिए रात को 8 बजे, क्योंकि मेरे पास तो काफी टाइम है ना, क्योंकि अभी 3 भी नहीं बजे हैं और रात 8 बजे अपलोड करना है, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है। मैं फोटोज भी एडिट करूंगी या तो वीडियो एडिट करूंगी, वो भी मैं इंस्टा पे अपलोड कर दूंगी, वो भी आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। और मुझे इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लेना, वहाँ पे मेरे 10K कंप्लीट करवा दो। और अगर आप चाहते हो कि मैं बाइक राइड करके आपको दिखाऊं, तो उसके लिए मेरे यूट्यूब पे भी 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, तो फिर मैं बाइक राइड करके वीडियोस और व्लॉग्स ज़रूर बनाया करूँगी, वो भी आपके लिए स्पेशल, जो कि आपको भी देखने में अच्छा लगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, और नेक्स्ट वाले व्लॉग में आपको सेकंड बाइक ज़रूर दिखाऊंगी, और सेकंड बाइक कौन सी है उसका वेट भी ज़रूर करना। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।